हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जिसके आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे पास एक रेडमी का नोट 7 मोबाइल है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका नेट चालू करने पर या रिंगटोन लगाने पर ये रिस्टार्ट होता है या स्विच ऑफ होता है। देख सकते हैं, अभी तो चालू है। जैसे ही हम इसको थोड़ा यूज़ करेंगे, देख सकते हैं ऐसा स्विच ऑफ हो जाता है और फिर से रेडमी नाम आके इसको रिस्टार्ट होता है या बैटरी का सिंबल आके जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत व्यू हैंडसेट में भी है, रेडमी में भी है। तो MI 7, Note 7, 5A, बहुत सारे हैंडसेट में ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों अपने बैटरी कनेक्टर की लाइन से आती है। देख सकते हैं इसकी बैटरी चार्ज है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। जैसे इसको 2-4 मिनट चार्जिंग को लगाओगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा और फिर जैसे आप इसका चार्जर निकालोगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी बैटरी को लोगो दिखा रहा है। अभी हम इसे चार्जिंग को लगाएंगे और थोड़ी देर रखेंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी तो ये चार्जिंग का लोगो ही शो कर रहा है। तो हम इसे थोड़ी देर चार्जिंग को लगाएंगे और आपको फिर से इसको ऑन कैसे होते हैं वो दिखाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम आता है आपकी बैटरी चेंज करने से ही रिपेयर हो सकता है और बैटरी को भी आप ओरिजिनल बैटरी को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में सॉल्यूशन बताया गया है। अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ये चालू होने में बहुत टाइम लगा रहा है तो हम इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपको क्या करना है, बैटरी को केयरफुली खोलना है। बैटरी का जो सर्किट होता है, जो उसके अंदर एक सेंस रजिस्टर होता है जो कोड रजिस्टर भी बोला जाता है, तो उसे आपको रिमूव करना है और एक जंपर करना है। बहुत सारे हैंडसेट में बिना रिमूव के भी आप कर सकते हैं लेकिन नोट 7 में अगर रिमूव नहीं किए तो बैटरी का गर्म होना ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर विदाउट रिमूव किए आप उसे शॉर्ट करेंगे तो ये बैटरी गर्म हो रही है इसकी। तो बैटरी को आपको केयरफुली इसका जो स्टिकर आता है वो निकालना है। बैटरी पूरा बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना सेंस रजिस्टर होता है, जो कोड रजिस्टर है, जो ब्लैक कलर में आता है, किसी में वाइट कलर का भी आता है, तो इसे रिमूव करना है। बहुत सारे हैंडसेट में ये बिना रिमूव के भी आप इसे जंपर कर सकते हैं लेकिन नोट 7 प्रो में आपको ये रिमूव करना है। अगर आपको इसी तरह नए नए सॉल्यूशंस होना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। तो देख सकते हैं ये सेंस रजिस्टर निकल चुका है। अब हम इसे जंपर करेंगे। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं शोल्डर वायर से लेकिन जंपर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो देख के आपका मोबाइल बन गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें या फिर कुछ इस वीडियो से सीखने मिला तो आपको कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करोगे तो समझ आएगा कि वीडियो किसने किसने देखा है। तो देख सकते हैं ऐसा जंपर करना है आपको भी और जो बाकी का ट्रैक है वो कट करना है ताकि कहाँ लग के शॉर्ट ना हो जाए।
फिर से आपको इसको अच्छे से पैक करना है। अभी नोट 7, नोट 8 ये लेटेस्ट हैंडसेट में ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था कि डायरेक्टली ऑन नहीं हो रहा था, स्विच दबाने पर इसको 2-4 मिनट चार्जिंग को लगाने के बाद ही ऑन हो रहा था। देख सकते हैं हमारा हैंडसेट जैसे स्विचिंग करेंगे तो ये ऑन हो चुका है और पहले बैटरी का सिम्बॉल आके ये फिर से ऑफ हो रहा था। देख सकते हैं MIUI लोगो पे आ गया है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो 100% ओके हो चुका है। देख सकते हैं इसकी जो बैटरी भी है वो जितने परसेंटेज है उतने बैटरी भी है। ये प्रॉब्लम से आपकी बैटरी बैकअप का भी प्रॉब्लम आ जाता है, पहले तो बैटरी बैकअप कम होता है उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है। अभी हम थोड़ा सा यूज़ करके भी इसे देखेंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों 100% निकल चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।